गोगा मेडी मेला वीडियो में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर पहुंचे हैं गोगा मेडी में, दिखाएंगे आपको गोगा मेडी और गोरख टीला का लाइव दर्शन। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, फिलहाल देख रहे हैं आप मंदिर के बिल्कुल सामने और भक्तों की टोली आ रही है नाच गाने के साथ। देखिए, भाई साहब गोगा जी के भजनों में मस्त हैं। गोगा जी में काफ़ी आस्था है लोगों की। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सभी गोगा जी को मानते हैं और अनोखी बात, सबसे देश का सबसे अलग ये मंदिर, एक ऐसा मंदिर है ये, यहाँ पर दो पुजारी है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, ऐसा और किसी मंदिर में नहीं है। दोस्तों, ये एकता का प्रतीक है हमारा गोगा मंदिर। गोगा मंदिर दोस्तों सुबह 5 बजे खुल जाता है भक्तों के लिए आरती होने के बाद, और रात 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। ये खुद यहाँ के पुजारी ने मुझे बताया। और ये रतननाथ महाराज की समाधि है, देखिए यहाँ पर भी दीप जलाते हैं भगतजन और अंदर कमरे में समाधि है, मत्था टेकते हैं। और ये भक्तों की लाइन देख रहे हैं आप, गोगा मंदिर में दर्शनों के लिए लगी हुई है। और यहाँ पर इस छतरे के नीचे भगतजन विश्राम कर रहे हैं। दोस्तों, गोगा मेडी मेला आपको पता शुरू हो चुका है और लगातार भगत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दोस्तों, भक्तों की भीड़ बढ़ रही है और देख सकते हैं भगत, और काफ़ी दूर दूर से गोगा मेडी मेले में भगत आते हैं। दोस्तों, आप कब पहुंच रहे हैं गोगा मेडी मेले में, कमेंट करें। और देखिए, भक्तों की टोलियाँ दर्शन के लिए लगातार जा रही हैं। दोस्तों, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, प्रशासन इस प्रकार की ग्रिलों की सुविधा करता है ताकि भक्तों को ज़्यादा परेशानी ना हो, लाइन के द्वारा आसानी से दर्शन किए जा सकें और पानी और कूलरिंग की व्यवस्था अच्छे से की जा सके। यहाँ पर देख रहे हैं भक्तों की भीड़, काफ़ी लंबी लाइन है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भीड़ दोस्तों यहाँ पर बड़ी और छोटी नवमी पर होती है, जिसका आपको लाइव व्यू दिखाएंगे हम। देख रहे हैं फिलहाल आप गोगा मंदिर के सामने का व्यू, आपको गोरख टीला पर भी लेकर चलेंगे दोस्तों, वहाँ पर कैसे दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, पूरा गोगा मेडी और गोरख टीला हम अपनी वीडियो में कवर करते हैं, लेकिन एक वीडियो में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम अलग अलग पार्ट में सभी जगह का व्यू आपको दिखाते हैं। दोस्तों, गोगा मेडी में किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप गोगा मंदिर में सूचना केंद्र बनाया गया है, कोई भी प्रॉब्लम होने पर सूचना केंद्र में सूचना दे दें, प्रशासन आपकी पूरी मदद करता है। दोस्तों, जैसे कि आपका कोई साथी इधर उधर हो जाता है तो आप सूचना केंद्र में सूचना दे सकते हैं, इसी प्रकार गोरख टीले में ये सुविधा है। और अब आपको लेकर चलते हैं गोगा मेडी से गोरख टीला की तरफ दोस्तों। और ये देखिए, ये गोगा मंदिर के सामने का रास्ता है, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, और ये पुलिस की गाड़ी भी आई है। दोस्तों, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर भक्तों की मदद के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, लगातार भगत आ रहे हैं, देख रहे हैं हम गोगा मंदिर से गोरख टीला की तरफ जा रहे हैं, और ये गोरख टीला से गोगा मंदिर की तरफ भगत आ रहे हैं। दोस्तों, अब की बार काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पर, मौसम काफ़ी अच्छा है गोगा मेडी का, फसलें अच्छी है दोस्तों, और देख सकते हैं दुकाना। गोगा मेडी से गोरख टीला तक दूर की दूर आपको पूरे रास्ते में दुकाना मिल जाएंगी, होटल मिल जाएंगे, और काफ़ी भंडारे भी बीच में लगे हुए हैं दोस्तों, पानी के है, खाने पीने की चीज़ों के है, जहाँ पर फ्री में खाना गरीब भाई खा सकते हैं। गोगा मेडी का अपना रेलवे स्टेशन दोस्तों, रेलवे फाटक के एक तरफ
गोगा मंदिर का मेला लगता है और एक तरफ गोरख टीला गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो मंदिर है उसका एरिया आ जाता है। और ये देख रहे हैं आप गोगा मेड़ी की दुकाना, काफ़ी सुंदर मिट्टी के बर्तन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और काफ़ी सस्ता सामान भी यहाँ पर मिलता है दोस्तों, क्योंकि गोगा मेड़ी मेला काफ़ी सस्ता माना जाता है। और ये सीधा रोड अब जा रहा है दोस्तों गोरख टीला पर और ये आ गया रेलवे फाटक बिल्कुल नज़दीक। दाईं साइड आपको दिखाएंगे रेलवे स्टेशन है, अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं तो रेल के द्वारा आ सकते हैं, देख सकते हैं रेलवे स्टेशन सामने था। अब ये एरिया आ गया दोस्तों गोरख टीला का, फाटक के एक तरफ गोगा मेड़ी मेला लगता है। अब ये देखिए, अब ये इस प्रकार दुकाना दूर की दूर आपको गोरख टीला तक नज़र आ जाएंगी। देश के कोने कोने से गोगा मेड़ी मेले में भगत आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं और हर साल आते हैं। गोगा मेड़ी मेला अपने आप में अनोखा और अलग है, काफ़ी ऐतिहासिक और सुंदर भी है। यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया, अलग अलग प्रकार की आइटम, अलग अलग प्रकार की दुकाना हैं, इसीलिए गोगा मेड़ी मेले में आपका मन अच्छे से लग जाता है। और देखिए भगत भाई मोटरसाइकिल पर गोगा जी के झंडे के साथ जा रहा है, तो गोगा जी में काफ़ी आस्था है भक्तों की, इसीलिए दूर दूर से दर्शन के लिए गोगा मंदिर में भगत आते हैं। सभी धर्म के लोग गोगा जी को मानते हैं, सभी जाति जाति के लोग गोगा जी को पूजते हैं, क्योंकि गोगा जी महाराज लोक देवता है और सांपों के देवता भी माने जाते हैं। नवमी पर इनकी काफ़ी बड़ी पूजा होती है दोस्तों। ये कार्यक्रम इसी प्रकार चलता है, देखिए गोरख टीला से गोगा मंदिर की तरफ भगत जा रहे हैं, गोगा मंदिर से गोरख टीला की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले भगत गोरख टीला में मत्था टेकते हैं और गुरु गोरखनाथ महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। गोगा जी महाराज के गुरु माने गए हैं गोरखनाथ महाराज, और बाद में गोगा जी महाराज के मंदिर में हाजिरी लगाते हैं भगत। और यहाँ पर गोरख टीला के सामने दोस्तों देखिए पत्थर की मूर्तियाँ हाथों से तराशी जाती है और हर देवता की मूर्ति आपको काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। और ये होटल आ गए दोस्तों देखिए, और साथ में दुकाना भी, काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पर भी, और सामने गोरख टीला का गेट है। और ये भगत यहाँ से गोगा मेड़ी की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए इस प्रकार के टेम्पो भी लगाए गए हैं, अगर आपके पास खुद का साधन नहीं है और पैदल ना जाना चाहें तो आप यहाँ पर इनके द्वारा भी गोगा मंदिर में जा सकते हैं। और ये आ गया हमारा गोरखनाथ महाराज जी का गोरख टीला। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गोरख टीला के अंदर का खूबसूरत दृश्य है, गाड़ी बाहर आ रही है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर कबूतरों को दाना डाला जाता है, जो भक्तों से बिल्कुल नहीं डरते, आप इनके बिल्कुल नज़दीक जा सकते हैं। काफ़ी कबूतर है यहाँ पर सौतरे पर, देखिए पकड़ लिया कबूतर, ये भक्तों में घुल मिल गए हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते। और सामने ग्रिल देख रहे हैं, इसी ग्रिल के द्वारा भगत गोरख टीला में दर्शन के लिए जाते हैं। बच्चे इनको पकड़ भी लेते हैं कबूतरों को, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। ये भी एक पुण्य का काम है दोस्तों, जब भी आप गोरख टीला में जाएं तो कबूतरों के लिए दाना अवश्य ले जाएं। और ये टैटू बनवा रहे हैं बच्चे हाथों पर। गोरख गंगा का व्यू भी आपको दिखाएंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अब चलते हैं सीधे गोरख गंगा के अंदर। ये गोरख टीला हमारा दोस्तों काफ़ी बड़ा धाम है,
और देखिए भगतजन गोरख गंगा में स्नान करने के बाद बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्नान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है दोस्तों। और देख सकते हैं बच्चे और बड़े लोग, औरतें स्नान कर रहे हैं गोरख गंगा के अंदर। और ये बीच का दृश्य है, यहाँ पर किश्ती चलती है दोस्तों, पानी इसमें डाल दिया गया है। भक्तों की डिमांड पर किश्ती चलती है, जब 10 से 15 सवारियाँ हो जाती है तो किश्ती चलती है यहाँ पर अंदर। गोरख टीला में देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर गोरख गंगा के जो तीन साइड है उधर की तरफ है बाग है, इस बाग में काफ़ी खूबसूरत कलाकृतियाँ आपको मिल जाएंगी। पार्क है सुंदर, विश्राम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी छांव है। और यहाँ पर देखिए भगत जन पूजा पाठ कर रहे हैं, इस प्रकार पूजा पाठ करती हुई टोलियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। गोरखनाथ महाराज इन भक्तों की जो समस्या है या बीमारी है वो दूर करे, हमारी यही दुआ है, प्रार्थना है। और ये गोरख गंगा का व्यू देखिए, सामने भगत स्नान कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है। बच्चे तो काफ़ी उछल कूद करते हैं यहाँ पर पानी में, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है उनको। और ये गुफा है, शिवजी महाराज ऊपर विराजमान है, इसमें भी एक मंदिर है अंदर, बाबा जी की प्रतिमा है, इसके अंदर भी आपको लेकर चलेंगे, दर्शन कराएंगे। और इस बड़ के पेड़ के नीचे भी काफ़ी प्रतिमा रखी है, गुरु गोरखनाथ महाराज की प्रतिमा रखी है, यहाँ पर भी पूजा करते हैं भगतजन। और ये देखिए शेरनुमा मुँह वाली गुफा है, यहाँ अंदर मंदिर है, इसके अंदर चलकर देखते हैं दोस्तों। हो सकता आगे कैमरा अलाउ ना हो। और सामने बिल्कुल लिखा हुआ है कि कैमरा बंद कर दें, और बाबा जी ने इशारा कर दिया है यहाँ पर कैमरा बंद करना पड़ेगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही,